सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। वैदम यदायोः सदमेन्न सरदौ अन्तिदेवाय न शकर चरसन्दनो नाम पुरासो यत्र पिबम् यौः सन्धिरन्तरि च बोलिए काशी विश्वनाथ की जय। कृपया मंच पर आए, माल्यार्पण से दो लोगों का नाम मैं बुला रहा हूँ, लाल मणिपाल और वीरेंद्र पाल जी, दो लोग आए हैं, वो भी आ जाए मंच पर। मुख्य अतिथि का माल्यार्पण इस जगह पर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट से कालेश्वर भगवान का देवस्थान के विकास की जीर्णोद्धार के परियोजना स्वीकृत कराया। उस परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत आज 1 करोड़ की लागत से की गई, उसका शिलान्यास लाइव वाली नीचे कर दीजिए। एयर स्ट्राइक कल में पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, क्या पता चंदौली तक छोड़ दें चंदौली सर्वविदित है। 14 फरवरी की घटना के दिन ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा था कि इसका जवाब दिया जाए, और देश और दुनिया को शायद यह सहज भरोसा नहीं होगा कि इतना जल्द जवाब दिया जाएगा। हम सबको बहुत इस बात का आत्मसंतोष है कि उन शहीद जवानों की 13वीं बीतते बीतते ही पाकिस्तान को इतना बड़ा जवाब दिया गया। तो अब तक उनके पाक अधिक कश्मीर से भी आगे बढ़ के हमारी सेना ने बहादुरी के साथ, हमारी सेना ने उनके आतंकी ठिकाने नाबूद कर दिए। और सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत का भी समर्थन भारत की सरकार ने जुटाया। हमने आज भगवान के अंदर पूजा किया और सभी हम हमेशा जन कल्याण, लोक कल्याण, सबके मंगल की कामना करते हैं, उसके साथ साथ भारत का गौरव नरेंद्र मोदी। युद्ध जैसे हालात है, पाकिस्तान को कुछ नसीहत देना चाहेंगे? युद्ध जैसे हालात है, सीमा पर तनाव है, पाकिस्तान को नसीहत देना चाहेंगे अपनी तरफ से? पाकिस्तान अपने को सुधार ले वरना पाकिस्तान का स्वरूप बिगड़ दिया जाए तो यही परियोजनाएं कुल लगभग 400 करोड़ से ऊपर की जाएंगी। अध्यक्ष जी, पुलवामा की घटना के बाद विपक्षी दल बार बार कमेंट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री का 56 इंच सीना कहाँ गया। आज सर्जिकल स्ट्राइक 2 के बाद जो है वो इसका श्रेय सेना को दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसे? हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि देश की सेना ने जो कदम उठाया, सेना अभिनंदन की पात्र है। लेकिन सेना पहले भी थी, जब तक राजनीतिक नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती है सेना के हाथ बंधे हैं। परमाणु बम वैज्ञानिकों ने पहले भी बनाया लेकिन अटल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से परमाणु विस्फोट किया गया। उसी तरह से सेना को एक दृढ़ इच्छा शक्ति के नेता ने जब नेतृत्व दिया तो आज इतना बड़ा कदम उठा। फिर भी यह दली राजनीति का विषय नहीं है, सारा देश एक होकर के सेना का सम्मान भारत की रक्षा के लिए है, यही अभिनंदन। अनुप्रिया पटेल ओम प्रकाश राजभर लगातार बगावती तेवर अपना रहे हैं, इसका प्रदेश की राजनीति पर क्या असर? दोनों हमारे साथ रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाए।